नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, बड़े अपडेट की बात करेंगे। दुर्ग से यह खबर है, रेप के आरोपी पर आरोपी अभिनेता की अब सफाई सामने आई है। निर्माता अभिनेता मनोज राजपूत का बयान कि व्यापार के कारण उन्हें फंसाया गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको बताया था, मिथिलेश ने अपडेट आपको दिया था कि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि व्यापार के कारण उन्हें फंसाया जा सकता है। अब उनका उनकी सफाई यही है कि व्यापार के चलते उन्हें फंसाया गया, पारिवारिक विवाद का फायदा उठाया गया। राजेश सिंह नाम के व्यापारी पर उन्होंने आरोप लगाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि राजेश सिंह ने उन्हें धमकी दी है। तो एक महिला ने शिकायत की है, उसका कहना है कि 12 साल से उसका मनोज राजपूत के साथ अफेयर चल रहा था, शादी का झांसा देकर लगातार शोषण करते रहे अभिनेता मनोज राजपूत। अब मनोज राजपूत की सफाई आई है, हालांकि इन पर जमीन कब्जे के भी आरोप लग चुके हैं। गांव में जीरो, शहर में हीरो, इस फिल्म के ये मुख्य अभिनेता। ये पारिवारिक मामला था और कुछ दिन पूर्व पारिवारिक मामला में वाद विवाद भी हुआ, जो लड़की के पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने मोहनगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी, और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी ना किसी रूप से ये उसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। इधर कोरबा में रफ्तार का कहर सामने आया, तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी समारोह में शामिल होने के बाद ये सभी वापस लौट रहे थे, तभी मड़वा रानी मंदिर के पास ये हादसा हुआ और दो बाइक सवारों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर बिलासपुर के सरकंडा में स्कूल में मासूम बच्चों से साफ सफाई करवाई गई है। सरकंडा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का यह पूरा मामला है। बच्चों से काम करवाने का एक वीडियो अब लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलासपुर का मामला जहां मासूम बच्चों से साफ सफाई करवाई गई, बिलासपुर के सरकंडा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में बच्चों से साफ सफाई करवाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर दंतेवाड़ा में एक नक्सली गिरफ्तार किया गया, सर्चिंग के दौरान जवानों ने इसे पकड़ा है। आगजनी की एक घटना में शामिल होने का आरोप इस पर है, कई और मामले भी इस पर दर्ज हैं। दंतेवाड़ा में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है जिस पर आगजनी और आगजनी समेत कई अलग अलग मामलों में FIR इसके खिलाफ है, तलाश इसकी की जा रही थी और आखिरकार सर्चिंग के दौरान ये गिरफ्तार हो गया। इधर तेलंगाना में बंधक गरियाबंद के जो मजदूर